सुरों की लयताल गूंज रही है सुदीप स्टूडियो के सॉन्ग रिकॉर्डिंग थिएटर में। निराली धुनों के संगीतकार शिवहरि मग्न है कई साजों से निकलने वाली सुरताल को एक लय में बांधकर एक नई धुन तैयार करने में। इस गीत में सुरों का जादू जगाएंगे अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी। जॉली मुखर्जी इससे पहले विज्ञापन प्रसारण के लिए जिंगल्स में काफी नाम कमा चुके हैं। प्रोड्यूसर डी के चावला और डायरेक्टर रमेश तलवार की फिल्म साहिबा के संगीत की बागडोर शिवहरि के हाथ में है। चांदनी के सुपर सक्सेस के बाद आपकी तरफ से कुछ अनाउंसमेंट नहीं आई, आपने कोई फिल्में साइन नहीं की, क्या आपको फिल्म्स ऑफर नहीं की गई या आपने अपनी मर्जी से साइन नहीं की फिल्में? देखिए, शुरू से ऐसा रहा कि हमारा नजरिया ये नहीं था कि क्वांटिटी की 40-50 पिक्चरें साइन कर लेनी है। हम सिर्फ फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं हैं, हम लोग क्लासिकल म्यूजिशंस भी हैं और हम पिक्चरें जो भी करना चाहते थे शुरू से यही था कि चंद एक पिक्चरें करें और उसको अच्छी ढंग से करें और पिक्चरें भी हमारे हिसाब की हों, यही वजह थी। ऑफर्स तो बहुत आई हैं लेकिन उसी वजह से हमने वही ली जो हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं उतना कर सकते हैं। यश चोपड़ा की लम्हे और डीके चावला की साहिबा साइन की है, ऐसा क्यों? इसलिए कि यश चोपड़ा जी या चावला साहब के जो डायरेक्टर हैं रमेश जी, इनके हमारी बड़ी पुरानी पहचान है। जब मैं बम्बई आया था तब से हमारी इनकी जान पहचान है और हमारे इनके स्वर बड़े मिल गए एक साथ के, इसलिए हम इनके, और ऐसी बात नहीं कि हम सिर्फ इन्हीं की पिक्चरें करें, हम और भी पिक्चरें करना चाहेंगे अगर हमको उस समय मिला और उस समय के हिसाब से हमको वैसी कहानी मिली, वैसी कहानी के हिसाब से हमको सारा सेटअप वैसे ही मिला तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तेरी कहना अच्छा लगता है। मेरी साहिबा, मेरी साहिबा। शुरू से बिगड़ी की अलग से जी।
आपने इस फिल्म साहिबा में गाने का फैसला कैसे किया? मैंने गाने का फैसला तो नहीं किया, शेर बोलने का फैसला जरूर किया है, और रमेश जी ने मुझे सरप्राइज किया। एक्चुअली दो तीन दिन पहले उन्होंने बोला कि मुझे कुछ दो तीन शेर पढ़ने पड़ेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। उस वक्त कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब आके मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही मुश्किल चीज है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर उन नींदबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। आप अपनी अगली फिल्मों में गाना पसंद करेंगे? अगर मैंने गाना शुरू किया तो ऑडियंस थिएटर से बाहर चली जाएगी, तो इस वक्त के लिए नहीं।